अपग्रेड हो चुका है, स्टूडियो से बाहर आ चुकी हूँ और एक बड़े फ्लैट पर रह रही हूँ। तो आज आपको वही दिखाने वाली हूँ, तो सब लोग बोल रहे हैं होम टूर दो। ये रहा सबसे पहले हमारा लिविंग रूम, आप देख सकते हो इट्स, ये काफी बड़ा लिविंग रूम है। मेरे उस घर पे तो लिविंग रूम आती नहीं, तो दिस इज द लिविंग रूम और दीज आर द फ्लावर्स जो मुझे मिले थे रिसेंटली, क्योंकि खराब होने वाले अब। हाँ, बट ये काउच बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और अब मेरे घर पे कितने भी लोग आके बैठ सकते हैं। जो पुराने वाले घर पे था वो बहुत ही छोटा काउच था, उस पर लोग ज्यादा बैठ नहीं पाते थे, बट अब तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, एकदम फन कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, मेरी पूरी फैमिली आके यहाँ पे चिल कर सकती है। और आज हमारे घर में पार्टी भी है और ये हमने जो बनाया है सेक्शन, यहाँ पे जूते हैं अपने सारे, मेरे शूज वगैरह रखे हुए, मेरा जिम बैग एंड शूज है इसके अंदर, फालतू का सामान डब्बे, एंड ये खाली एरिया रखा हुआ है, थोड़ा सा मैसी है क्योंकि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई है, आप सबको पता है। खाली एरिया इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे शूट कर सके, आप देख सकते हो रिंग लाइट भी यहीं पे है और मेरा स्टैंड भी यहीं पे है और मेरा मिरर भी यहीं पे है ताकि हम शूट कर सके। ये है नोनू का पर्टिकुलर स्पेस, डेडिकेटेड है बिकॉज यहाँ पे इसका खाना और यहाँ पे इसका स्क्रैची पड़ा हुआ है, ये नोनू जोन है, वो यहीं पे खाना खाता है। अब बात करते हैं किचन की। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा किचन है फाइनली। उसका किचन तो एक छोटा सा था, बट दिस इज अ ह्यूज किचन जिसमें हमारे पास है डिश वॉशर जिसको हम कभी यूज नहीं करने वाले, बट एक बहुत बड़ा फ्रिज जिसमें बहुत कुछ सामान पड़ा है। मेरे वहां पास बहुत ही छोटा फ्रिज था यार, मुझे एक बड़े फ्रिज की बहुत जरूरत थी। और आप लोग तो देख सकते हो ये सारे यूरोप की चॉकलेट्स जो लेकर आए थे मेरे लिए, तो और भी चीजें हैं। और दिस इज माय किचन, दिस इज माइक्रोवेव, दिस इज मोमो का प्लेट और ये पूरा किचन है, दिस इज द होल किचन और मैंने यहाँ कुकिंग भी करी है। दिस इज द हॉल, दिस इज लाइट तो जला दो, लाइट जला दो, कैमरा मैन मम्मा के साथ हूँ मैं। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, आ जब हम आए थे तब क्लीन नहीं था, बट अभी मम्मी ने सारा घर क्लीन चमका दिया, मम्मी ने एक एक कोना चमका दिया, ठीक है। और ये रहा फर्स्ट बेडरूम, दिस इज द फर्स्ट रूम, ठीक है। ये रूम है मम्मी का, रिजवान का, जो भी घर पे रहने आएगा उसके लिए रूम है, ये वाला मेरा रूम नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो कबर्ड है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये पूरा घर फर्निश था, कुछ चीजें मेरी है, जैसे ये वाला ड्रॉअर आप देख सकते हो ये मेरा है, ठीक है, वैसे ही फुल्ली फर्निश्ड घर है, ठीक है। और यहाँ पे चीजें हैं, ये अलमारी है जिसको हम खोल के नहीं दिखाएंगे बिकॉज ये सेट नहीं हुआ है। तो लेट्स गो टू माई रूम, मेरा रूम सबसे ज्यादा अच्छा है, देख कर बहन चोट ना लग जाए। ये आप देख सकते हो नोनू का लिटर, पूपिंग एरिया, पूप करते हैं नोनू यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज माय रूम, अरे गलत लाइट जा दी, दिस इज माय रूम, ये इतना बड़ा मेरा रूम है एंड मुझे एक बड़े रूम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देख सकते हो यहाँ पे मेरी लाइटें लगी हुई हैं और मेरा सिल्वर बटन भी यहीं पे मेरे सर के ऊपर जस्ट ताकि मैं इंस्पायर्ड हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल है जिसमें हमने मिडिल में भगवान जी रखे हुए हैं, ऊपर मेरे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और नीचे यहाँ मेकअप का स्टफ है, मेकअप और यहाँ पे भी अंदर मेकअप का स्टफ है, पूरा मेकअप का स्टफ है यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज कूल चीज दिखाती हूँ, ये हमने लगाई है, ये यहाँ पे स्क्रीन ही मेरा फोटो खुद आ रहा है, मतलब मेरा फुआ रहा है, आप देख लीजिए आप कैमरा में, मैंने ये देखो ये सुंदर लग रहा है, हाँ, ये लगाइए हमने यहाँ पे, थोड़ा दूर से करूँ, जरूरत थी हमें लाइट की बहुत ज्यादा, मेकअप करते हुए थोड़ी ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे कम लाइटिंग थी क्योंकि इसका जो ऊपर का लाइट है वो टूटा हुआ था, इसी वजह से हमने ये लाइट लगाई है। और ये है बेड, ये है मेरा बेड, यहाँ पे मैं सोती हूँ और साइड में हमारे दो टेबल्स है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अलमारी जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड होंगे, वो है ये अलमारी जिसको मुझे सेट करने में बहुत टाइम लग गया। ये सेक्शन सारा मेरा कपड़ों का है ऑब्वियसली आप देख सकते हो, और ये ऊपर वाला सेक्शन मेरे बैग्स का है, ठीक है, नीचे वाले मेरे गिरा नीचे, ये नीचे वाला मेरा जूतों चप्पलों का है, और ये ऐसे कपड़े जो मैं बहुत ही रेयरली पहनती हूँ, और ये भी थोड़े वैसे टाइप के कपड़े, मतलब बहुत ही ज्यादा कपड़े। बंद कर दे यार उसको, वो बटन दबाते ना बड़ा वाला,
ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कवर्ड है, मुझे तो चाहिए। और ये सिर्फ मेरे वो कपड़े हैं जो मैं जब बाहर जाती हूँ तब पहनने वाले कपड़े, मतलब जैसे मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या ये मतलब बाहर जाने वाले कपड़े हैं सारे के सारे, ये रेगुलर डेली बेसिस पे पहनने वाले कपड़े नहीं है सोचो। और इतनी छोटी अलमारी थी वहां पर, सब कुछ मैंने उसमें ठूस रखा था। अरे ये देखो कोई कोई है मेरे पास, हाय नानू, हमें YouTube पे हाय नहीं बोलोगे, हाय बोल दो ना सबको, बोल दो सब्सक्राइब कर दो मम्मा के चैनल। मेरा बेटा है, उसको यहाँ पे लेटना पसंद है बिकॉज यहाँ पे इसको बर्ड्स दिखती है बालकनी से। ठीक है बैठ, इधर आओ। बालकनी में से पहले आपको ध्यान रखना मेरा वॉशरूम, दिस इज माय वॉशरूम, इट्स अगेन अ बिग वॉशरूम जिसमें मेरा बहुत सारा सामान मैंने रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सामान। आ जाओ अंदर, मैंने रेट आरपी क्यों वही रख दिया है। कोई नहीं। और ये रही अनदर अलमारी जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक और बात, ये चेहरे आके रखी आपने, रखने की जगह नहीं है। और ये वो कपड़े हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे घर के पहनने वाले कपड़े हैं, ठीक है दोनों सेक्शन। ये मेरा जिम अपर वेयर है, मतलब स्पोर्ट्स ब्रा टी शर्ट वगैरह, और ये जिम मेरा बॉटम वेयर है। आप इतना सामान है यहाँ, ये मेरी चड्डी बनियाल की जगह है, ठीक है, और सॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे फिर शूज है, और यहीं पे थोड़ा फालतू का सामान है। बट देख रहे हो मुझे ऑलमोस्ट दो अलमारी की जरूरत थी, और भी कपड़े बेड के नीचे रखे हुए हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ घर वर का सामान पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ही लॉन्ड्री है। पर ये तो ये अच्छा है, बोल ना कि वॉशरूम के अंदर एक अलमारी है बहुत अच्छा वाला, आप बोल दिए ना बस बहुत है। मम्मा बता दी ये सब अच्छा है, देखो इसमें ये भी तो है, देख रहे तो ये क्या इसकी प्रमोशन इधर है, देखो देखो वो नहीं करना, तो दिखाओ ये ऐसे नहीं दिखाना, जस्ट मेरा घर है, थोड़ा सा गेन मेसी है बिकॉज आई वाज नॉट अभी तक फुली तैयार नहीं हुए। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपका वो वाले घर का व्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आप लोग क्यों छोड़ रहे हो घर, उसको मत छोड़ो ये वो। पहली बार उसका रेंट 50,000 हो गया था, मैं बता रही हूँ सिर्फ इस घर का रेंट में सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देके मैं इतने बड़े घर पे रह रही हूँ, इसीलिए आई शिफ्टेड हेयर। ठीक है मैं एक ही सोसाइटी में, मैं सेम सोसाइटी में ही रह रही हूँ, बट मूव कर लिया है मैंने बड़े जगह पे, बड़े स्पेस पे, क्योंकि ये 2 BHK है और सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देके आई गॉट दिस प्लेस। अदरवाइज यहाँ पे वो वाली जगह तो बहुत महंगी हो गई थी, 50,000, आई एम नॉट गोना पे फॉर 50,000 फॉर लाइक स्मॉल प्लेस जहाँ पे मेरा कुछ भी सामान नहीं आता। और रही बात व्यू की, जिसके लिए मुझे सब बोलते हैं इतना सुंदर व्यू है, इतना एस्थेटिक है, एंड ब्ला 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 ब्ला। Here we go. अरे लॉक कर दें तो कम, ये कपड़े बाहर सूख रहे हैं, एस्थेटिकली मम्मी ने सुखाई है मेरे टॉवल, बट व्यू की जो बात कर रहा था मैं दिखाती हूँ। ये देखो दिस इज द सेम व्यू गाइस, सेम व्यू, आई हैव द सेम व्यू। सो आपको लगता है कि मैं उस व्यू को छोड़ दूंगी, मुझे वही सनसेट चाहिए जो मैं हर टाइम देखती हूँ, मेरी आंखें निकल रही इतनी धूप है यहाँ पे, वही सेम सनसेट चाहिए। एंड वी हैव अ ह्यूज बालकनी हियर एंड लुक एट दिस, अ ब्यूटिफुल व्यू एंड द सेम सनसेट व्यू जो मेरे को वहाँ पे भी था। एंड दिस इज माय रूम, और हर रूम में बालकनी है, ठीक है, सो विच इज़ वेरी कूल। और वो देखो एक मेरे बाथरूम में जा रहा है चोरी करने के लिए, ए बाहर आओ चलो। एंड ये था मेरा पूरा घर, हमारे पास टीवी भी है बाय द वे जिसको मैं कभी देखने वाली हूँ शायद से, आई डोंट नो, एंड दिस इज माय रूम। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि ये बड़ा है, स्पेशियस है, जगह है, एंड एवरीथिंग इज हेयर। नोनू कैन ऑल्सो रोम अराउंड, जो कि निकल गया कट लिया, थोड़ा सा मेसी है मेरा घर, वो भी सेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मुझे यहाँ शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और मैंने इतना काम किया ना इन दिनों में, इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स अपग्रेडेड, आई अपग्रेडेड माई सेल्फ, नाउ एनी वन कैन कम एंड स्टे विद मी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आते थे, ज़्यादा लोग रुक नहीं पाते थे, एक ही रूम था वहाँ पे, अब यहाँ पे तो कितने भी लोग आके रुक लो मुझे माइंड नहीं करूँगी। एंड मेरी मॉम तो आती रहती है, आप लोगों को सबको पता ही है, फैमिली मेम्बर्स में आते रहते हैं, रिजवान कीप स्टेइंग विद मी, तो यस दैट्स व्हाई आई गॉट दिस बिग प्लेस। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि हमें रूम टूर चाहिए, होम टूर चाहिए, होम टूर चाहिए, तो दिस इज द होम टूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टीज, आई लव यू ऑल, बाई।